दोस्तों जब भी कहीं हम घूमने जाते हैं तो वहाँ हम किसी न किसी होटल में रुकते हैं और किसी न किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। लेकिन कई बार लोग होटल, मोटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट के बीच क्या अंतर होता है नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों होटल, मोटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट के बीच अंतर को समझने के लिए आपको कुछ सामान्य सी बातों को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों ये जान लेते हैं कि होटल, मोटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट के बीच क्या अंतर होता है। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं होटल के बारे में। दोस्तों होटल वो जगह होती है यहाँ पर हमें रुकने के लिए एक कमरा और सामान्य जीवन जीने के लिए वहाँ पर हमें टीवी, फ्रिज और वाईफाई जैसी सुविधाएं मिलती है। और कुछ होटलों में तो खाना खाने के लिए उनका पर्सनल रेस्टोरेंट भी होता है। अब बात कर लेते हैं मोटल के बारे में। दोस्तों जब भी कभी हम लंबे सफर के लिए हाईवे पर निकलते हैं, हाईवे पर चलते समय हमें सड़क के किनारे रुकने के लिए कुछ जगह मिलती हैं, जिन्हें हम होटल भी कहते हैं। लेकिन वो होटल नहीं बल्कि मोटल होते हैं। वहाँ पर गाड़ी को पार्क करने के लिए जगह भी उपलब्ध होती है। मोटल अक्सर जगह और सुविधाओं के मामले में होटलों से कम स्तर की सुविधाएं देते हैं और इस वजह से इन्हें होटलों का छोटा भाई भी कहा जाता है। रेस्टोरेंट वो जगह होती है यहाँ पर आपको खाना खाने की सुविधा मिलती है। रेस्टोरेंट आपके शहर के अंदर या फिर शहर के बाहर हाईवे पर भी हो सकते हैं। रेस्टोरेंट में रात में या फिर दिन में रुकने के लिए कोई जगह नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं रिजॉर्ट के बारे में। दोस्तों रिजॉर्ट ज्यादातर टूरिस्ट प्लेस पर ही होते हैं। ये रिलैक्स करने वाली जगह होती है। यहाँ पर आप होटल या मोटल जैसी मजबूरी में नहीं बल्कि मौज मस्ती करने जाते हैं। बता दें कि रिजॉर्ट्स में आपको उम्दा खान पान से लेकर स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। चाहे स्विमिंग पूल हो या फिर स्पा, रिजॉर्ट्स में आपकी तमाम सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है और आपकी जिंदगी की भागदौड़ और तनाव को कुछ दिनों के लिए बुलाने में मदद करता है। दोस्तों उम्मीद है अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि होटल, मोटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट में क्या अंतर होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आपके कोई सवाल है सुझाव है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।